वेलकम बैक टू चाय चैट। हम एक बार फिर आपको बताएं कि शोभा यात्रा के रंगों में साउथ हॉल सराबोर है, जन्माष्टमी के रंगों में गीता महोत्सव के रंगों में सराबोर है। आइए इस यात्रा को और भी आगे बढ़ाते हैं। जय श्री कृष्ण। आप कहाँ से? वी आर फ्रॉम हरियाणा, इंडिया। हम पानीपत से हैं जी। क्या बात है, खास तौर पर आए हैं? ये प्रोग्राम है हमारा, इसी के लिए आए हैं। बापरे, इधर आके आइए। जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए हरियाणा से खास तौर पर आए हैं। आइए प्लीज बोलिए। इंटरनेशनल गीता महोत्सव, हम इसीलिए आए स्पेशल यहाँ। हम चाहते हैं कि सारी दुनिया इसको पूरे दिल से और पूरे शान से मनाए, जैसे हम वहाँ इंडिया से यहाँ आए हैं, लोग हमारे पास आके वहाँ पर इंडिया में, हरियाणा में, कुरुक्षेत्रा में आके हमारे साथ गीता जयंती मनाएं। इसलिए हम इंटरनेशनल गीता महोत्सव मनाने के लिए यहाँ आए हैं। गीता महोत्सव आगे। जय श्री कृष्ण। ये मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। क्या मनाया जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पे छोला भटूरा और पूरी, ये सभी कुछ। कृष्ण जी का जन्मदिन होता है तो हम लोग उसके लिए कितना बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे पूरे इंडियन कम्युनिटी आई है और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा तुम यहीं पली बड़ी हो? नहीं, मैं इंडिया से आई हूँ, मैं अभी आई हूँ। अभी इतनी बढ़िया हिंदी बोल रही है ये, मैंने कहा यहाँ के बच्चे इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं तो मैं उनको बहुत एक्स्ट्रा छोला भटूरा खिलाती हूँ। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं यहीं पे रहता हूँ 1 साल से, इंडिया से मैं भी आया हूँ। अच्छा, आप लोग रहते यहाँ? आए इंडिया से। अब इनकी भी दिखाइए भाई, आप बताइए। मैं भी इंडिया से आई हूँ। अच्छा, हाँ। इंडिया लग रहा है यहाँ पे, कोई कमी महसूस? अभी पूरा इंडिया लग रहा है। कृष्ण जी का हैप्पी बर्थडे, आपका हैप्पी बर्थडे में छोले भटूरे बनते हैं कि चिकन नगेट्स एंड चिप्स? नहीं, हमारे में चिकन नहीं, हम लोग बहुत अच्छी अच्छी डिश बनाते हैं, छोले भटूरे एंड फ्राइड राइस, ये सब। तो मतलब कृष्ण जी आपको लगता है खुश होंगे? हाँ, कृष्ण जी बहुत खुश होंगे क्योंकि उनके सेलिब्रेशन पे इतना, यहाँ पे इतना, इतने सारे इंडियन लोग आके इतनी मस्ती कर रहे हैं तो उन्हें अच्छा लग रहा होगा। कृष्ण जी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? कृष्ण जी की, वो अच्छे तो है ही, अच्छा काम भी करते हैं। गोपियाँ बहुत है उनके पास? हाँ, धोतिया की तो बात ही। तुम्हारी भी गोपियाँ बहुत है, तुमको भी लगता है? शायद। मना नहीं किया उसने, मना नहीं किया। हाँ, शोभा यात्रा का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन आप कह लीजिए, ये है छोले भटूरे वाले स्टॉल। ये गजब की चीज होती है, सुबह से बेचारे लगे रहते हैं यहाँ पर काम करते हैं। और देखे लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। आप मैम कहाँ से आए हैं आप? हम लोग ग्लासगो से आए हैं। मेरा नाम उज्जल है और मैं ग्लासगो से आई हूँ। मैं एंजॉय कर ली हूँ यहाँ पे। बहुत एंजॉय कर रही हो? क्या एंजॉय कर रही हो? बड़ी अच्छी हिंदी बोलती हो। मैं सब कुछ एंजॉय करती हूँ। हम लोग अपने स्वामी जी को मिलकर, हम अपने स्वामी जी को मिलकर बड़े खुश हुए हैं क्योंकि वो मेरे गुरु जी हैं। वो आपके गुरु जी हैं? तो आपको क्या सिखाया गुरु जी ने? मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहे। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सरस पर मनाए रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। क्या बात है, तो आप पहली बार साउथ हॉल आई हैं? आपकी मम्मी ने बताया जी। हम लोग पहली बार आए हैं। आप पहली बार आए हैं इधर? हम। और कैसा लग रहा है, इंडिया लग रहा है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सेम इंडिया ही है, की तरह लग रहा है। और आप देखें, आपकी छोले भटूरे की लाइन ना खराब हो जाए। देखिए, लाइन दिखाएं आप इनको, छोले भटूरे की लाइन दिखाएं। और जय श्री कृष्णा बेटा। हाँ, बहुत लोगों को छोले भटूरे खाने, तो आइए अब छोले भटूरे के बैक स्टेज में क्या होता है ये हम आपको दिखाते हैं। हाँ, इनको भी दिखाइए, आप खुश हैं? छोले भटूरा खाना है आपको? छोले भटूरे भी खाने हैं और कृष्ण जी महाराज का जन्मदिन भी मनाना है हमने। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे होता है और अब की बार गीता महोत्सव का भी इसमें रंग चढ़ा हुआ है। पहली बार गीता महोत्सव यहाँ यूके में मनाया गया और इस तरह जन्माष्टमी के साथ खत्म हो रहा है। ये अनोखी यात्रा, ये अनूठी यात्रा जो हर साल जन्माष्टमी के पर्व में साउथ हॉल को कृष्ण के रंगों से, भारत के रंगों से सराबोर कर देती है, बल्कि ये कहना चाहिए कि यूनिटी और एकता, एकता के रंगों में सराबोर कर देती है। सभी मजहब, सभी टेंपल्स, मंदिर, गुरुद्वारे के लोग यहाँ मौजूद होते हैं और एकजुट होकर बस यूं ही गाते, खाते, खिलखिलाते निकल जाते हैं। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप मुझे ट्विटर कर सकते हैं @lavinatandon पर, या फिर मुझे लिख सकते हैं ईमेल choichat@aajtak.com पर। नमस्कार।
जय श्री कृष्ण।